हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हमारी जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है इस जर्नी के 10वें दिन पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे नॉर्मली बच्चे डरते हैं कोचिंगों के अंदर, जिसपे बच्चों को काफी कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि बच्चे उस चैप्टर को ही स्किप करके चले जाते हैं। जबकि आज के वीडियो में हम ये दोनों बातें गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पहली तो ये कि ये जो चैप्टर है, खासकर ये जो टॉपिक है, वो डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा ये कि इसको छोड़ के जाना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत डिसीजन है। क्योंकि अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो आप नीट के अंदर बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे से, आसानी से कम 2 क्वेश्चन जो है वो सही कर जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ये जो दोनों चीजें हैं ये प्योरली जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्ट हैं, यानी कि अगर हमें कोई बॉडी दे दी जाए तो हमने डेफिनेशंस बनाई है कि सेंटर ऑफ मास तो इस पॉइंट को कहा जाएगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इस तरीके से निकाला जाएगा। तो क्यों ना अपन सेंटर ऑफ मास को इसी तरीके से पढ़ें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसी तरीके से पढ़ें कि अगर हमें कोई गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर तो हम उसका सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सके और उसको फिर आगे यूज कर सके, राइट। तो शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ मास से। तो हमें क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें खूब सारे पॉइंट मासेस गिवन हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन वैक्टर्स दे रखे हो किसी कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि 1 kg का मास आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप पोजिशन पर रखा हुआ है, और 3 kg का एक और पॉइंट मास जो है वो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप वाली पोजीशन पर रखा हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मासेस और उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए जा सकते हैं। ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा, सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी, वो कैसे फाइंड आउट करी जाएगी इस फॉर्मूले के द्वारा। इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑल दी मासेस। इसमें हम क्या करते हैं, सभी मासेस को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन वैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एड कर देते हैं और फिर टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब यहां पे खास बात यह है कि जब आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेते हो, एक खास पॉइंट आपके पास में आ जाता है, फिर जब आप उस रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके की मोशन जनरेट होती है। बट उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपको ट्रांसलेट करता हुआ नजर आता है, कि स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता हुआ नजर आता है, या जो भी उस फोर्स की वजह से मोशन होगी उसको फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है बेसिकली और ऑल बॉडी की ट्रांसलेशन को जनरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप मेरे से पूछना चाहोगे कि सर रिजिड बॉडी के अंदर ऐसा क्या खास होता है, आप बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो। तो यार रिजिड बॉडी जो है वो उस बॉडी को कहा जाता है जिसके किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मोशन के दौरान या फोर्स लगाने पर चेंज नहीं होती। जैसे आप ईंट उठा के अपने दोस्त के ऊपर फेंकते हो तो मोशन के दौरान ईंट के कोई से भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होती। ईंट पूरी की पूरी आपके हाथ से आपके दोस्त की खोपड़ी तक चली जाएगी, बट ईंट के कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ईंट किसका एग्जाम्पल हो गया, रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। अब जब आप ईंट को फेंकते हो तो आप उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मोशन होती है कि ईंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा भी रही है और बीच में रोटेट टाइप की भी कर रही है, राइट। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मोशन को अपन क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो बेसिकली अब किस पॉइंट की मोशन होगा, सेंटर ऑफ मास की मोशन होगा, राइट। तो सेंटर ऑफ मास एक बहुत खास पॉइंट होता है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, अगेन हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट मासेस है और सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज दे रखी है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। हम वेटेड एवरेज निकालेंगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला जाता है, सभी पॉइंट्स के मासेस को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। खास बात यहां पर ये आती है कि किसी भी पॉइंट के लिए जो एम इंटू ए लिखा है आपने, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल फोर्सेस उस पॉइंट के ऊपर जितने भी लग रहे हैं, साथ ही साथ में इंटरनल फोर्सेस जो अदर पार्टिकल्स उसके ऊपर लगा रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे कि इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो उनका जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये जो ऊपर वाला सम है ये हमेशा किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। इंटरनल फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो अब आपको समझ में आया कि यार जब किसी एम मास की बॉडी के ऊपर अपन एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाते हैं, तो आज तक जो हम इक्वेशन यूज करते आ रहे थे ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, वो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं होता था, वो किसका एक्सेलरेशन हुआ करता था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हुआ करता था, राइट। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हो सकता है अलग अलग पार्टिकल्स के पास एक्सेलरेशन हो, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला सम है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे यार ये वाला सम तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, कंजर्व्ड हो जाएगा, यानी कि घूम फिर के अपनों ने एक बार फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की है। अब की बार एक रिजिड बॉडी और उसके सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव में अपनों ने ये बात करी है, राइट। अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स ना देके, वेक्टर की फॉर्म में सारे का सारा कैलकुलेशन ना देके हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे दिया जाए, तो फिर हम सेंटर ऑफ मास की भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सभी मासेस को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, और टोटल मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसी तरीके से वाई सी एम और जेड सी एम भी निकाला जा सकता है। अगर हमें कंटिन्यूस बॉडीज दी हुई हो, भाई यहां तो अभी तक हमें क्या दे रखे थे, डिस्क्रीट मासेस दिए हुए थे, पॉइंट मासेस का कलेक्शन दिया हुआ था। अब अगर हमें कोई कंटिन्यूस बॉडी दे दी जाए, और मोस्टली कंटिन्यूस बॉडी दी जाएगी, जैसे हमें डिस्क दे दी जाए, स्फेयर दे दिया जाए, रिंग दे दी जाए, तो इसमें आप है ना इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस की फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मासेस होंगे, राइट। तो कंटिन्यूस बॉडीज के लिए हम क्या करते हैं, इस समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही होता है, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सम एलिमेंट, ये डीएम जो होता है वो मास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल मास से आपको डिवाइड करना है, राइट। एक्ससीएम निकालना हो तो इसी तरीके से निकाल लेंगे, वाईसीएम निकालना हो तो इसी तरीके से निकाल लेंगे, जेडसीएम निकालना होगा तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि शायद कभी आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़े अगर नीट के क्वेश्चंस की बात करी जाती है तो, बट अगर कभी जरूरत पड़ जाती है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा इस डीएम को, यानी कि मास को, आर की फॉर्म में या एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में या जेड की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो आपने डेरिवेशंस पढ़ी होगी, उन डेरिवेशंस के अंदर इन सब की प्रैक्टिस करी होगी, अभी आपको इसकी कोई खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सिंपल आएगा, तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखना, आई होप आप उस क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। अगर हमें बहुत सारी बॉडीज का एक ग्रुप दे रखा हो, जैसे एक स्फेयर यहाँ रखा हुआ है, एक सपोज करो कोन यहाँ पे रखा हुआ है, एक रॉड यहाँ पर रखी हुई है, ऐसे कलेक्शन दे दिया, तो फिर हम इस पूरे के पूरे कलेक्शन का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास में एक बहुत पावरफुल हथियार आ चुका है। हम क्या करेंगे, हर बॉडी को भले उसकी साइज और शेप कैसी भी हो, अगर हमें उसका सेंटर ऑफ मास दे रखा है, तो हम उस बॉडी को एक पॉइंट मास मान लेंगे, और उस पॉइंट मास को कहां पर रख देंगे, उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे। तो अब हमारे लिए हर बॉडी रिड्यूस हो गई छोटे 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 पॉइंट मासेस की फॉर्म में, और जैसे पॉइंट मासेस और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस हमें पता पड़ गई, तो हम आसानी से हमारे इस पूरे के पूरे कलेक्शन का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिप्लेस ईच बॉडी एज पॉइंट मास एट इट्स सेंटर ऑफ मास, देन कैलकुलेट COM ऑफ द होल सिस्टम। इसी तरीके से ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास जो होता है सिस्टम का, वो उस रीजन, उस हिस्से में आपको मिलेगा जहां पर आपका ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो रिंग की बॉडी पर नहीं होता, उसके सेंटर पर होता है, ठीक है ना, जहां पर मास है वहां पर नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है कि आपको दो पॉइंट मासेस दे रखे हैं, एम वन और एम टू, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी एम वन से डिस्टेंस हो जाएगी एम टू टाइम्स एल अपॉन एम वन प्लस एम टू, और M2 से डिस्टेंस हो जाएगी M1 टाइम्स L अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे खास बात यह है कि जब इन दोनों का रेशियो लोगे आप L1 डिवाइडेड बाय L2 निकालोगे, तो आपको इनवर्स रेशियो में मिलेगा मासेस के, M2 डिवाइडेड बाय M1 के इक्वल दिखाई देगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि L जो है, मतलब सेंटर ऑफ मास की किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस है, वो उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि मास जितना कम होगा सेंटर ऑफ मास की, उससे डिस्टेंस जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके उतना ही
पास होगा, सेंटर ऑफ मास की उसकी डिस्टेंस उतनी ही कम होगी, राइट। तो ये अपनों ने एक और बार इस फैक्ट को ठीक है प्रूव कर दिया, ये जो फैक्ट अपनों ने पढ़ा था कि हैवीली मास जो हैवियर मास जो होता है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास पाया जाता है, तो ये भी अपनों ने एक बार प्रूव कर दिया। फिर हमें क्या करना है, कुछ बॉडीज हैं उनके सेंटर ऑफ मास हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली यूज करी जाती है। जैसे आपको सबसे पहले रिंग का तो पता ही है उसके सेंटर पर होगा, बट ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर से, ध्यान रखना, उस एक्सिस पर जो सेमी सर्कुलर रिंग को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है उस एक्सिस पर सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होता है, 2r/π डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है ना। और अगर आप सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करते हो तो उस एक्सिस पर जो कि डिस्क को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है कितनी डिस्टेंस पर होता है, 4r/3π पर होता है। तो अगर सपोज करो कभी आपको रिंग और डिस्क साथ साथ दे दी जाए तो आप पूरी की पूरी रिंग को गायब कर सकते हो, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हो और किस जगह पे रख सकते हो, इसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर। सेम चीज आप डिस्क के साथ कर सकते हो। हेमिस्फेरिकल शेल की बात करोगे तो एग्जैक्टली सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर होता है, और अगर सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करोगे तो एग्जैक्टली सेंटर से 3r/8 इतनी डिस्टेंस के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास पाया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप हर स्क्रीन का ही ले लिया करो, मैं पिछली स्क्रीन पे भी एक बार हट जाता हूं साइड में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको रिवाइज करने के अंदर मदद मिले, ठीक है, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से नेक्स्ट स्क्रीन की बात करते हैं। अगर आप सॉलिड कोन की बात करते हो तो इसके बेस से h/4 डिस्टेंस पर आपको इसका सेंटर ऑफ मास दिखाई देगा, जबकि अगर आप होलो कोन की बात करते हो तो इसके बेस से h/3 डिस्टेंस पर आपको सेंटर ऑफ मास दिखाई देगा। अगर कभी सर्कुलर आर्क की बात करी जाए तो सेंटर से अगर एंगल 2θ बन रहा है तो सेंटर से r/θ/θ इतनी डिस्टेंस पर आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। और अगर आपको सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, ये दोनों चीजें बहुत रेयरली कभी पूछी जाएगी आपसे, राइट, तो 2r/θ/3θ हो जाएगा, राइट। ये दोनों जो रिजल्ट है ये बहुत ही जनरल रिजल्ट है, जैसे इसके थ्रू आप एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सेमी सर्कुलर रिंग होगी तो आपके थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और पाई बाय 2 रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2r/π रिजल्ट जो है वो आपका अपने आप ही आ जाएगा। सेम तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो अगेन मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्ट है, आप किसी बॉडी और उसके किसी गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में आपकी चॉइस ऑफ एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो। एक पॉइंट मास m जो कि किसी एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर r2। अब इसी को पकड़ के बैठ जाओ, अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस है और उनकी एक्सिस से कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस गिवन है तो आप हर मास का क्या निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सबको ऐड कर दो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक स्केलर क्वांटिटी, आप आसानी से ऐड कर सकते हो। अगर कंटिन्यूअस मास की बात करी जाती है, ठीक है, तो अब हम छोटे 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 एलिमेंट लेंगे, हर एलिमेंट का मास dm होगा, उसकी पोजीशन r होगी, पोजीशन के स्क्वायर से मास को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, बट जब भी पड़े तो आपको वही बात ध्यान में रखनी है कि मास को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, somehow r के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, और फिर आपका जो केस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। दो थ्योरम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बताऊंगा जो कि ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद में दो थ्योरम्स जो हैं वो आपको मदद करेगी अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने में। तो पहली तो है पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये केवल और केवल किसके लिए, 2D बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है, 3D बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कहती है कि अगर आपको एक 2D बॉडी दे रखी है, जैसे एक डिस्क दे दिया आपको, और उसके प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे मान लो इसके प्लेन में ही है डिस्क, एक्स वाई प्लेन के अंदर रखी हुई है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट आपको उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है, दैट इज IX एंड IY। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, इन दोनों की जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, जैसे जेड एक्सिस हो गई, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सम के इक्वल हो जाएगा IX+ IY, राइट।
ऐसे ही दूसरी जो थ्योरम है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अंदर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो आई सी एम प्लस एम बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे आई कोई भी एक्सिस हो सकती है जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो, आई सी एम वो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो उसके पैरेलल है। भाई सेंटर ऑफ मास से तो इनफाइनाइट एक्सिस पास हो सकती है ना, आपको वो एक्सिस लेनी है जो उस एक्सिस के पैरेलल है जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो। कैपिटल एम बॉडी का टोटल मास है और डी दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर आपको ये सारा मसाला मिल जाए तो आप इसको यूज करके आसानी से किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दो थ्योरम्स जो है ना इनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे अगर आप इन दोनों थ्योरम्स को अप्लाई करना सीख जाते हो। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में अगर आपको कुछ पूछा जाए तो आप किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट एम के स्क्वायर इस फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे के क्या कहलाएगा, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एक्सिस के अबाउट, उसको एम के स्क्वायर के इक्वल रख दो, एम से एम तो कट ही जाएगा और अपने आप ही के की वैल्यू आपको मिल जाएगी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर, राइट। जैसे रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, उसको आप एम के स्क्वायर के इक्वल रख दो, एम से एम कट जाएगा, के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर के इक्वल। ऐसे डिस्क की बात करूं तो आई होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, उसको एम के स्क्वायर के इक्वल रख दो, एम से एम कट जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन रूट टू। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप उधर देख रहे हैं, आई होप ये कोऑर्डिनेशन आपका चल रहा होगा, राइट। खैर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के तरीके हैं। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। कौन कौन से रिजल्ट्स हैं? जैसे सबसे पहले तो आप है ना एक डिस्क ले लो। अब डिस्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके सेंटर से पास होने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो, और वो होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब आप किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया कि बताओ डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो ये डायमीटर हो गया। ऐसे एक डायमीटर में इधर भी बना सकता था, ये एक्स हो जाता, ये वाई हो जाता और जो आपने ऊपर बनाया है वो जेड हो जाता, तो इसका और उसका सम इसके इक्वल होता, ठीक है, और ये दोनों तो सेम डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अपन अप्लाई करते, ठीक है। जैसे इसके अबाउट भी आप आई मान लेते और इसके अबाउट भी आप आई मान लेते, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाता तो टू आई की वैल्यू हो जाती एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, तो आई की वैल्यू आ जाती एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। तो कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के ही ये रिजल्ट लाया गया है, बट आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना हो तो ध्यान रख सकते हो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड लाइंग इन इट्स प्लेन, तो अब आप इस डायमीटर के अबाउट तो फाइंड आउट कर ही चुके हो, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। एक तरीके से सेंटर ऑफ मास से भी फाइंड आउट हो रहा है, पास हो रही है एक्सिस, तो आईसीएम आपने एक तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है डी वो किसके इक्वल है, इसकी रेडियस आर के इक्वल है। तो अब यहां पे कौन सी थ्योरम लगाओगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आईसीएम मतलब एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर प्लस एम डी स्क्वायर यानी कि एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 करोगे तो 5 बाय 4 एम आर स्क्वायर आपको आसानी से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे यहां पे आपको अब की बार इस एक्सिस को आईसीएम मान लेना है, तो आईसीएम हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगेन आर है तो डी की वैल्यू आर मिल गई। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो अपने आप ही आपको रिजल्ट 3 बाय 2 एम आर स्क्वायर आता हुआ दिखाई देगा। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप केवल और केवल एक एक्सिस एक बॉडी के लिए किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो और दोनों थ्योरम्स को अच्छे से अप्लाई करने की प्रैक्टिस कर लो जैसा मैंने अभी आपको बताया, या फिर अगर आप याद कर सकते हो तो सारे के सारे रिजल्ट्स ध्यान रख लो, जो भी आपको सहूलियत भरा लगता है रास्ता उसको आप अपना सकते हो। रेडियस ऑफ जायरेशन तो निकाल ही सकते हो, इसको एम के स्क्वायर के इक्वल रखना एम से एम कट जाएगा, सारी की सारी प्रोसेस करके आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हो, राइट। है ध्यान रखना सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है ना उसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर ध्यान रखना है आपको। अब आपको ऐसा कोई दे दिया जाए स्ट्रक्चर, है तो डिस्क की बट बीच का कुछ हिस्सा जो है वो निकाल लिया गया है, तो इनर रेडियस आर1 है आउटर रेडियस आर2 है,
कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया, हालांकि ऐसे कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे, बट फिलहाल आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो इसका एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर, आई होप डायग्राम में दिख रहा होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम बाय टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, फिर डायमीटर के अबाउट एम बाय फोर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दे रहे हो एम बाय टू, ठीक है डिस्क के लिए ओनली एक रेडियस थी तो आर स्क्वायर आता था, यहाँ पे दो रेडियस है ना तो दोनों का सम आ रहा है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, रिजल्ट सारे के सारे सेम है। अगर सॉलिड स्फीयर की बात करते हो तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होती है, डायमेट्रिक एक्सिस भी बोल सकते हो, 2/5 mr² होगा, और जो टेंजेंशियल एक्सिस है उसके अबाउट 7/5 mr² होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप होलो स्फीयर की बात करते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट 2/3 और इस एक्सिस के अबाउट 5/3 mr² हो जाएगा। अगर आप एक बिल्कुल पतली सिलेंड्रिकल रॉड के बारे में बात करते हो तो बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाले एक्सिस के अबाउट ml² / 12 और टेंजेंशियल जो है उसके अबाउट ml² / 3 हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ध्यान रखने हैं रिजल्ट्स, राइट। फिर अगर आप एक हॉलो सिलेंडर की बात करते हो तो हॉलो सिलेंडर जो होता है वो रिंग के समान होता है, जैसे रिंग का उसके सेंटर से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² होता है, तो इसका भी उतना ही होगा। यहां से जो पास हो रही है इसके प्लेन को इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली और इसके खुद के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, तो mr² / 2 तो होगा ही होगा जैसे रिंग का हुआ करता है, प्लस इसको अगर आप एक रॉड की तरह मानोगे तो ml² / 12 भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अबाउट निकालोगे तो mr² / 2 तो होगा ही होगा क्योंकि इसको रिंग की तरह मानोगे, प्लस इसको रॉड की तरह मानोगे तो ml² / 3 भी हो जाएगा, और ये तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप सॉलिड सिलेंडर की बात करते हो तो सॉलिड सिलेंडर को आप डिस्क की तरह एज्यूम कर सकते हो, तो जैसे डिस्क का mr² / 2 होता था इसका भी mr² / 2 हो जाएगा, टेंजेंशियल के रेस्पेक्ट में लोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे 3/2 mr² आपको आता हुआ दिखाई देगा, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर mr² / 4 डिस्क की वजह से आया है और ml² / 12 इसको एक रॉड की तरह मानने की वजह से आया, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। शीट की बात करें तो इसकी ये साइड ए है ये साइड बी है, तो जिस साइड को आप परपेंडिकुलरली दो हाफ हिस्सों में डिवाइड करोगे उसको आपको कंसिडर करना है, तो इसके अबाउट करोगे तो mb² / 12, ए को डिवाइड करोगे तो ma² / 12, और बीचों बीच से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर लोगे तो इन दोनों को ऐड कर देना तो m/12 a² + b², इस तरीके से आप इसके रिजल्ट्स भी ध्यान रख सकते हो। तो क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको अपन रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, बाकी आपको इस वीडियो को एक और बार देखना है तब जाके आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी, लिख लिख के भी याद करने की जरूरत पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना है, राइट, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर से क्वेश्चन बहुत प्रिडिक्टेबल आते हैं, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, राइट। अ यूनिफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर इज टेकन आउट ऑफ टेकन एंड आउट ऑफ इट अ डिस्क ऑफ डायमीटर r/2 इज कट ऑफ फ्रॉम द एंड, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आपको एक डिस्क दे रखी है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है r, ठीक है, मेटल डिस्क है, डायमीटर r/2 इज कट ऑफ फ्रॉम द एंड, अब एंड से एक छोटा सा हिस्सा इसका काट के निकाल लिया जाता है और इस तरीके से निकाला जाता है कि इसका डायमीटर r/2 है, यानी कि इसकी जो रेडियस है डायमीटर इसका कितना है r/2, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी r/4 हो जाएगी, तो जो रिमेनिंग हिस्सा बच गया, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है अगर इसको आप काट के निकालोगे तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचेगा, केवल और केवल ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, मैंने आपको एक फंडा बताया था, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज दी जाए तो हर बॉडी को आप गायब करके उसको पॉइंट मास मान के उसके सेंटर पर रख सकते हो, वैसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे अपन काम। तो यहाँ पे अपनों को एक तरीके से दो बॉडीज दी हुई है, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो एक तो हमें दे रखी है डिस्क ऑफ रेडियस आर और एक हमें यहाँ पे बॉडी दी हुई है या कह लो निकाली हुई है डिस्क ऑफ रेडियस r/4। ये चीज समझ में आई आपको, ये तो दी हुई है और ये उसमें से निकाल ली गई है, तो फिर हमें ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये जो गिवन बॉडी है वो मिल जाएगी जिसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो इसका जो मास है m1
वो तो कितना हो जाएगा, इसकी मास डेंसिटी अपन ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है, जो भी डेंसिटी होगी, और इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जबकि इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी तो सेम ही है और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। और आगे चलते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, हमें इतना तो पता ही है कि इसका सेंटर ऑफ मास हमें कहां पर मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट ही लेते हैं, तो एक्स वन जो होगा वो कहां पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच ऑरिजिन पर होगा, तो जीरो हो जाएगा, जबकि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, इस सेंटर पर होगा, तो सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये r बाय टू है, ये r बाय फोर है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3r/4। अब यहां पे क्योंकि ये जो डिस्क है ये रिमूव करी गई है, तो इसका मतलब है हमें इसका जो मास है वो कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, रिमूव कर ली तो नेगेटिव कर लेते, नेगेटिव का मतलब यही होता है। अब हम सेंटर ऑफ मास जरूर निकाल सकते हैं, तो एक्स सी एम जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, एम वन एक्स वन यानी कि जीरो, एम टू एक्स टू यानी कि नेगेटिव सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स एक्स टू करेंगे तो 3r/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा, यहां से देखोगे 1 - σ πr² कॉमन आ जाएगा 1/16। अब इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं अपन, देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर से सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 16 एलसीएम आएगा उससे 16 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 3r/4, 16 तो एलसीएम आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 - 1 दैट इज 15 बचेगा, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो r/20 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है इस तरफ आपको r/20 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो यहां पे r/20 फ्रॉम द सेंटर, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला भी अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके को समझो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप याद नहीं कर पाओगे। आई होप तरीका बहुत आसान है कि जो रिमूव करी गई है बॉडी उसको नेगेटिव मान लो उसके मास को, और बाकी तरीका तो जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो आपको एक तो सॉलिड स्फीयर दे रखा है, एक हॉलो स्फीयर दे रखा है और एक डिस्क दे रखी है, ये तीनों ही सिमेट्रिक बॉडीज है, तीनों का ही सेंटर ऑफ मास इनके एक्चुअल सेंटर पर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन बॉडीज को गायब करके इनके बराबर पॉइंट मास को आप कहां पर रख सकते हो, इनके सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हो, तीनों का मास आपको एम एम दे रखा है, तो एक तरीके से एम मास यहां पर रखा हुआ है, एम यहां पर रखा हुआ है और एम यहां पर रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो एक्स सी एम हो जाएगा एम वन एक्स वन यानी कि एम मल्टीप्लाइड बाय जीरो, एम टू एक्स टू यानी कि एम मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस एम थ्री एक्स थ्री यानी कि एम मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री दैट इज 3m। अब ये दोनों तो चले गए, एम से एम कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ए बाय 3। ऐसे वाई सी एम निकालते हैं, तो एम वन वाई वन दैट इज एम ए, एम टू वाई टू दैट इज एम टाइम्स जीरो और एम थ्री वाई थ्री दैट इज एम टाइम्स जीरो डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m, अगेन एम से एम कट जाएगा और ये आ जाएगा ए बाय 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ए बाय 3 कॉमा ए बाय 3 ये सेंटर ऑफ मास का। तो ये प्रिंसिपल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बॉडीज को रिप्लेस किया जा सकता है एक पॉइंट मास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 g, 2 g, 3 g इज टेकन एज द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ऑरिजिन पर है, 0, 0, 0 पर है। द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 g सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पार्टिकल सिस्टम लाइज एट द पॉइंट 1, 2, 3 इज एल्फा टाइम्स आई कैप प्लस 2j + 3k, वेयर एल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ एल्फा इज।
तो थोड़ा इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। पोजिशन वेक्टर ऑफ अ फोर्थ पार्टिकल, जो चौथे पार्टिकल को आप रख रहे हो उसका पोजिशन वेक्टर कितना है, ये है। और इसको रखते ही आपके सिस्टम का सेंटर मास जो कि पहले ओरिजिन पर था वो खिसक के कहां पर चला जाता है, 1, 2, 3 पर चला जाता है। तो फंडा वही है कि जब इन तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास पता है तो इन तीनों को अलग बॉडी कंसिडर ही नहीं करेंगे अपन। इन तीनों का टोटल मास कितना है, 3 + 2 = 5 + 1 = 6। तो 6 ग्राम की अपन एक पॉइंट मास मानेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मानेंगे, ओरिजिन पर। तो हमारे लिए दो बॉडीज है, एक तो बॉडी 1 है उसका मास 6 ग्राम है और उसका सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है, या आरसीएम अगर अपन लिखें यहां पर तो उसका आर 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, ओरिजिन पर है। और जो दूसरी बॉडी है उसका जो मास है M2 वो तो कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है और उसका जो पोजीशन है वो हमें दे रखा है अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम ये कहेंगे कि जो RCM आएगा यानी कि 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वो किसके इक्वल आना चाहिए, M1 R1 वो तो 0 आ जाएगा, M2 R2 तो ये आ जाएगा 4 α i कैप प्लस 8 α j कैप प्लस 12 α k कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसका मास है 6 ग्राम, इसका मास है 4 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पे आप देख रहे हो कि i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप ये किसके इक्वल दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें से 4 अल्फा को कॉमन ले लेते हो तो 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, यहां पे बचेगा वही i कैप, इधर बचेगा 2 j कैप और इधर बचेगा 3 k कैप। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया, बाकी प्रिंसिपल जो है वो कभी भी चेंज होगा नहीं आपका, राइट। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया क्योंकि मैं इसी को बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट तरीके का जो क्वेश्चन है वो देखो कैसा आ सकता है। अ पर्सन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड स्टॉप्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक इज, तो ऐसा आपका पानी है, इसके ऊपर ये प्लैंक रखा हुआ है, ये आपका जो भी पर्सन है वो यहां पर खड़ा हुआ है, इसका मास स्मॉल एम है और इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ ए प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल, ये लेंथ आपको कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। द पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड स्टॉप्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक इज, अब देखो ये शुरुआत में जब ये खड़ा था उस कंडीशन में जो भी सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि चलने के दौरान फोर्सेस प्लैंक और पर्सन एक दूसरे के ऊपर जो लगा रहे हो इंटरनल है, तो यानी कि आपके सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले भी 0 थी, हमेशा कितनी रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, अलग अलग दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालो और वही फॉर्मूला लगा दो जो आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए लगाते हो। तो हम ये बोलेंगे कि जब ये आगे जाएगा तो धीरे धीरे प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, तो प्लैंक इधर चला जाएगा, यहां पर इस तरीके से हो जाएगा प्लैंक आपका, ठीक है। और मान लो प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, x हो गया, प्लैंक जो है वो खुद कितना पीछे आ गया, x डिस्टेंस पीछे आ गया, तो और आपका पर्सन कहां पर आ चुका है, इस जगह पर आ चुका है। अभी मत बोलना था डायग्राम के अकॉर्डिंग पर्सन की हाइट जो है वो कम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम उन्होंने ऐसे बनाया है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि पर्सन कितना चला होगा, एक तरीके से वो एल डिस्टेंस आगे गया होगा और पूरा का पूरा सिस्टम पीछे आ गया, तो पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ होगा, एल माइनस एक्स हुआ होगा।
तो अब यहां पे अपन दोनों के लिए अलग अलग रखते हैं, तो सबसे पहले पर्सन और यहां पे ले लेते हैं प्लैंक, ठीक है। अब देखो पर्सन का जो मास है वो तो है स्मॉल m, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लैंक का जो मास है वो है कैपिटल m, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि x1 वो कितना है L माइनस एक्स है और पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है x2 वो है माइनस एक्स, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स सी एम जो है वो जीरो होना चाहिए, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है एम वन एक्स वन यानी कि एम इंटू एल माइनस एक्स, एम टू एक्स टू यानी कि माइनस कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू यानी कि स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब देखो यहां पे ये आ जाएगा स्मॉल एम टाइम्स एल माइनस स्मॉल टाइम्स एक्स माइनस कैपिटल एम टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको किसके इक्वल आती हुई नजर आएगी स्मॉल एम टाइम्स एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के इक्वल आती हुई नजर आएगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर वन है स्मॉल एम टाइम्स एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और फंडा कौन सा लगा है इसके अंदर कि क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस इंटरनल है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, तो हमने ऐसा क्वेश्चन कहां पर पढ़ा था जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर अपन एक्सेलरेशन निकालते थे दोनों का, तो हम देखते थे कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ करता था और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होता, दोनों का ए था, ठीक है। और उस ए की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, हम इस तरीके से निकालते थे कि जो सपोर्टिंग फोर्स है, जैसे यहाँ पे सपोर्टिंग फोर्स है 3mg और जो अपोजिंग फोर्स है वो है mg, तो टोटल फोर्स हो जाएगा आपका 3mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा 3m प्लस m दैट इज 4m, 3mg में से mg गया तो 2mg बचेगा और नीचे बचेगा 4m, m से m चला गया, 2 से 4 चला गया, g डिवाइडेड बाय 2। अब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो कैसे निकाला जाता है, तो अपन क्या करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पहले बॉडी आएगी 3m उसका मास होगा और उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a और उसकी वैल्यू अभी अपनों ने निकाली है g बाय 2, पॉजिटिव लिया है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है। फिर माइनस दूसरी जो बॉडी है उसका मास है स्मॉल m और उसका एक्सेलरेशन है माइनस g बाय 2, तो माइनस तो मैं पहले ही लगा चुका हूं और यहां पे रख दूंगा मैं g बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m प्लस m दैट इज 4m, ये आपका टोटल मास हो जाएगा। अब देखो 3m में से m चला गया तो कितना बचेगा 2m टाइम्स जी बाय 2 डिवाइडेड बाय 4m, m से m चला गया 2 से 4 चला गया, तो आपका फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाना चाहिए जी बाय 4 आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा जी बाय 4 होगा। तो अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बिकॉज दो अलग अलग जगह कंसेप्ट उठा के मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Initially, two stable particles x, y start moving towards each other under mutual attraction. If at one time the velocity of x and y are v and 2v respectively, what will be the velocity of center of mass of the system? अब देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपका मन करेगा कि यार अगर हमें पार्टिकल्स का मास दे दिया जाता तो हम VCM का फॉर्मूला लगा देते, एक का मास उसकी वेलोसिटी, दूसरे का मास उसकी वेलोसिटी ऐड करके टोटल मास से डिवाइड कर देते। बट आप यहाँ पे देखोगे हमें यहाँ पे मासेस तो दे ही नहीं रखे, अब हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बट आप यहाँ आपको यहाँ पे एक बहुत छोटी सी हिंट दे रखी है, वो ये है कि इनिशियली दोनों पार्टिकल्स स्टेबल थे यानी कि रेस्ट पर थे, यानी कि सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर था, फिर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन है तो इंटरनल फोर्सेज हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है जीरो, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी
और पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर जीरो थी तो बाद में किसी भी कंडीशन पर देखो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, जीरो ही दिखाई देगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, जहां पर आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और फिर भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आने की संभावना रखते हैं। आपको गलत नहीं करके आना क्योंकि आपने मोस्ट वांटेड सीरीज जो है वो देख रखी है। अ 2 किलोग्राम बॉडी एंड अ 3 किलोग्राम बॉडी आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। द 2 किलोग्राम बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 3 किलोग्राम बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। The velocity of center of mass at that instant is, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, VCM। 2 किलोग्राम वाली बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और 3 किलोग्राम वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 + 3, टोटल मास कितना है उनका 5, तो ये हो जाएगा 6 + 6 / 5 दैट इज 12 / 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो, अगर यहां पे भी क्वेश्चन वैसे ही कहता नहीं कि दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है फलाना निमका, तो वापस से इसका आंसर कितना आता, 0, जबकि इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो फिर अपन इसका आंसर क्या लगा के आएंगे, 12 / 5 लगा के आएंगे, राइट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर आर इज कट फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर। Then the distance is, sphere of diameter R is cut from a solid sphere of radius R. अब की बार आपको एक sphere दे रखा है, ठीक है, और from a solid R such that the center of mass of remaining part be at maximum distance from the original center. अब देखो पहले जब आपका solid पूरा था, sphere पूरा था, तब तो center पर ही रहा होगा आपका, right? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर, देन दिस डिस्टेंस इज, तो आप जितना जितना पास में इसके बॉडी पार्ट को निकालोगे काट के, ठीक है, उतना ज्यादा आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। अगर आप उसको दूर ले जाते जाओगे तो सेंटर ऑफ मास भी दूर खिंचता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा दूर कहां पर ले जा सकते हो, आप यहां पर ले जा सकते हो। डायमीटर कितना है इसका, स्मॉल आर, ठीक है, is cut from a solid sphere of radius r, तो इसकी radius r है और इसका diameter r है, तो situation कुछ ऐसी बनेगी आपकी, ठीक है, situation आपकी कुछ ऐसी बनेगी। तो ये इसकी तो radius r, इसका तो diameter r हो गया, और इसी के लिए बड़े वाले sphere के लिए क्या हो गई आपकी रेडियस हो गई। अब वही दो तरीके की बॉडीज हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट बॉडी के बारे में बात करें तो मास हो जाएगा सिग्मा डेंसिटी 4/3 πr³, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले की बात करें नेगेटिव मास होगा क्योंकि काट के निकाला है, सिग्मा इंटू 4/3 π, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/2, तो उसका क्यूब करेंगे तो r³/8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना था, 0 पर, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, यहां से इसका सेंटर निकालोगे तो r/2 डिस्टेंस पर दिखाई देगा, तो यहां पे पॉजिटिव r/2 डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो टोटल सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना होना चाहिए आपका, m1x1 वो तो 0 हो जाएगा, m2x2 तो डायरेक्ट लिखते हैं माइनस सिग्मा 4/3 πr³/8 टाइम्स r/2, m1 + m2, तो इसमें से सिग्मा 4/3 πr³, ये तो कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1, सिग्मा 4/3 πr³ कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1/8, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 4/3 πr³, सिग्मा 4/3 πr³, 8 LCM आगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r/2, और 8 - 1 करोगे तो 7/8 होगा, वो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली r/14 आएगा, नेगेटिव आएगा आपका आंसर, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, देन दिस डिस्टेंस इज, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए आपकी, r/14 हो जानी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो r/14 हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If linear density of a rod of length 3 meter varies as lambda is equals to 2 plus x,
देन द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम ही चीज है फिलहाल के लिए ऑफ द रॉड इज, तो आप लोगों को एक रॉड दे रखी है ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पर अपन एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेते हैं, आपको इसकी डेंसिटी दे रखी है लैम्डा और इस टुकड़े की लेंथ है डी एक्स, तो इस टुकड़े का जो मास होगा डीएम वो किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, लैम्डा आपको दे रखा है 2+x टाइम्स डी एक्स, तो मैंने सक्सेसफुली मास को किसमें कन्वर्ट कर लिया एक्स में कन्वर्ट कर लिया, मैंने बताया था आपको फंडा यही है। तो अब आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा एक्स सी एम वो किसके इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो मैंने लिया है डी एक्स, इसका सेंटर तो कहां पर हो जाएगा एक्स, फिर dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम 0 to 3, फ्रॉम 0 to 3 क्योंकि लेंथ कितनी है 3 मीटर, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे फ्रॉम 0 to 3 x तो है ही, dm की जगह रखेंगे तो 2+x और आ जाएगा और dx और आ जाएगा, और यहाँ पे 2+x dx फ्रॉम 0 to 3। फटाफट से सॉल्व करते हैं, तो पहले का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय 2 और दूसरे का हो जाएगा x², तो x² का हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम 0 to 3, ऐसे नीचे आ जाओ 2 का तो हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 to 3, पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 से तो 2 कट गया, अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × 3 × 3 करेंगे तो 1 3 कट जाएगा, 3 × 3 केवल और केवल 9 बचेगा, 0 रखने पर तो दोनों 0 हो ही जाएंगे, ऐसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो 3 × 2 6 और 3 × 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2, फिर 0 रखेंगे तो 0 आ ही जाएगा, तो ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 6 × 2 12 और 12 + 9 बचेगा 21, तो 21 बचेगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर एलसीएम से, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6 और 3 × 7 तो 12/7 meters ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर आ सकते हैं, थोड़े चैलेंजिंग होंगे बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, तो मैंने बताया था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, या यूं कह लो कि पार्टिकल जो है उसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो चॉइस ऑफ एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करती है, शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो सारी की सारी चीजें हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब ये देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस का मतलब जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इज सेम एज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। द रिलेशन बिटवीन इट्स लेंथ एल एंड रेडियस आर इज, तो खुद की एक्सिस के अबाउट तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जो एक्सिस दूसरी बताई गई है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, मैंने बताया था डिस्क की वजह से, और एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये किसकी वजह से, उसको रॉड की तरह कंसिडर करने की वजह से आता है। इसको इधर लेके आएंगे तो बाय 2 में से बाय 4 जाएगा तो कितना बचेगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 बच जाएगा इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, एम से एम चला गया, 4 से 3 चला गया, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3r² हो जाएगा, तो एल की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, √3 times r के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि अगर सिलेंडर की लेंथ उसकी रेडियस के √3 times हो तो आपको ऐसा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सिमिलर पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास स्मॉल m आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल m एंड रेडियस r, द mi ऑफ द सिस्टम अबाउट द नॉर्मल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर o इज, कुछ नहीं है, चार अलग अलग बॉडीज, पांच अलग अलग बॉडीज हो गई, एक तो डिस्क हो गई, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और चार छोटे छोटे पॉइंट मासेस हो गए और हर की एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल हो गई, तो 4 times m times r², यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अलग अलग बॉडीज का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ तो ऐड कर सकते हो। सॉलिड स्फेयर एंड अ हॉलो स्फेयर ऑफ द सेम मास
हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, पक्का उनकी रेडियस अलग अलग होगी। तो अबाउट दियर रेस्पेक्टिव डायमीटर्स द रेशियो ऑफ दियर रेडाई विल बी, तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ करता था 2/3 या 2/5 ले लो सॉलिड का, कैपिटल एम उसका मास हो गया, रेडियस अपन आर वन ले लेते हैं स्क्वायर, और अगर हॉलो कंसिडर करेंगे तो 2/3, मास सेम दे रखा है, रेडियस अलग ले लेते हैं आर टू स्क्वायर, एम से एम चला गया, टू से टू चला गया, तो आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 5/3, तो आर वन डिवाइडेड बाय आर टू किसके इक्वल आ जाएगा 5/√3 के इक्वल आ जाएगा। अब आर वन अपनों ने माना है सॉलिड और आर टू अपनों ने माना है हॉलो, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है ना, पहले नंबर पे सॉलिड है और दूसरे पे हॉलो है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर कुछ और स्कोप है भी नहीं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर अबाउट पी क्यू एक्सिस विल बी, पी क्यू एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो रिंग के इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा भाई, सेंटर से गुजरने वाले और प्लेन की परपेंडिकुलर तो होता है एम आर स्क्वायर, फिर हाफ कर दोगे तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इसके अबाउट हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर हाफ क्यों किया, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, एक इधर से जा रही है एक ऐसे अंदर जाती हुई मान लो, दोनों का आई आई मान लो, दोनों का सम एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो उससे एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। और अब मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई किसके इक्वल होता है आईसीएम, दैट इज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस टोटल मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस भी कितना दे रखा है आर स्क्वायर दे रखा है, तो टोटल हो जाएगा आपका 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो थ्योरम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री थिन यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल आर प्लेस्ड अलॉन्ग द थ्री एक्सिस ऑफ ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ वन एंड ऑफ ईच रॉड एट द ओरिजिन, द एम आई ऑफ द सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस। एक रॉड यू रखी हुई है, एक रॉड यू रखी हुई है, एक रॉड यू रखी हुई है, और इसी के अबाउट इसका क्या पूछा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा मास है वो एक्सिस पर ही आ गया, यानी कि हर मास के टुकड़े की डिस्टेंस कितनी होगी, 0, नॉट मास मतलब, ठीक है ना, हर मास जो है एलिमेंट जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 0, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो इसका भी एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, इसका भी एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 times एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एल, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज, ऐसा आपका स्क्वायर है, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करनी है, और चार पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल एम, एक यहाँ पर रख दिया गया है, एक यहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे रख दिया गया है, और एक यहाँ पे रख दिया गया है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें पूरी की पूरी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। अच्छा, ए नहीं, अपनों को एल दे रखी है साइड, तो इसको भी एल ले लेते हैं और इसको भी एल ले लेते हैं, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सिस्टम, पूरी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो अपन इस शीट का फाइंड आउट करते हैं, तो शीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एम, शीट का मास कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एल, द रेडियस ऑफ जायरेशन, अच्छा अपनों को शीट नहीं दे रखी है, स्क्वायर शीट नहीं है, तो स्क्वायर शीट का अपनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट केवल स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए। तो अब देखो, हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी एक्सिस से, तो आप बोलोगे सर अगर ये एल है, ये एल है, तो ये पूरा का पूरा डायमीटर कितना हो जाना चाहिए, √2L, और पूरा का पूरा डायमीटर √2L हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए एल डिवाइडेड बाय √2, भाई √2L का आधा करोगे तो एल डिवाइडेड बाय √2, तो हर पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, एल डिवाइडेड बाय √2, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4 times हर पार्टिकल का मास है एम और हर पार्टिकल की डिस्टेंस है एल बाय √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2ml². रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए अपन क्या करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी का टोटल मास यानी कि 4m टाइम्स k स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं। तो 2m से 4m कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी l डिवाइडेड बाय रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, कोई स्क्वायर शीट नहीं है, बस चार कॉर्नर्स पर मासेस रखे हुए हैं, उनका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, सिंपल आपको डिस्टेंस निकालनी है एक्सिस से, बस यहाँ गलती मत कर देना, टोटल मास लेना है यहाँ पे, है ना। जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ जायरेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो टोटल मास टाइम्स के स्क्वायर लिखते हैं। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ऑफ साइड एल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन ए एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इन प्लेन, ये प्लेस की जगह प्लेन कर लो यहाँ पर, इन प्लेन ऑफ ए बी सी विल बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। देखो, इस मास की जो डिस्टेंस है वो तो जीरो है, अगर इस मास की मैं बात करता हूं तो इसकी डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, एल है। अब इस मास पर आ जाते हैं, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी ये, अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता ही एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये साइड एल है तो ये हो जाएगी एल कॉस 30 डिग्री, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाली साइड हो जाएगी एल साइन 30 डिग्री, और L sin 30 डिग्री, sin 30 का मतलब होता है 1/2, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी L बाय 2, तो मास हो गया M, डिस्टेंस हो गया L बाय 2, यानी कि L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आ जाएगा 5ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्क्वायर प्लेट ए बी सी डी as shown in figure below, of uniform thickness about an axis passing through the center O and perpendicular to the plane of the plate. यानी कि ये जो प्लेट है इसके सेंटर से पास होने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसके अबाउट कितना होगा। तो आप लोगों को तीन एक्सिस दे रखी है, वन दे रखी है, चार दे रखी है, वन दे रखी है, टू दे रखी है, थ्री दे रखी है, फोर दे रखी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी। तो प्लेन के अंदर कोई सी भी दो थ्योरम ले लो, तो या तो आप वन और टू ले सकते हो, दो एक्सेस ले लो, या तो वन और टू ले सकते हो, ठीक है। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो कि जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I3 प्लस I4 के इक्वल होगा। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है उन्होंने बनाए हुए नहीं, किसी काम के नहीं है, डायरेक्ट आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, आपको जस्ट केवल और केवल कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास के बारे में, मैं अगेन कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं और शॉर्ट शॉर्ट पूछे जाने वाले हैं। तो आपको जो मैंने टेबल्स बताई थी, जो रिजल्ट्स बताए थे, उनको आपको ध्यान रखना है, उनको याद कर लेना है, और जो तरीके मैंने बताए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और आप आसानी से नीट के कम से कम 2 क्वेश्चन सही करने लायक बन जाओगे इस 1 घंटे के वीडियो के बाद में। तो आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।